अस्सलाम वालेकुम सेवन क्लास, पेज नंबर है आप लोगों का 30। टॉपिक है आप लोगों का ईद उल अज़हा। ईद उल अज़हा में आज हम लोगों ने रीड करना है पैराग्राफ नंबर 5। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा जो है एक रिलीजियस मीन्स मजहबी, फेस्टिवल्स मीन्स त्यौहार। ईद उल अज़हा इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। ईद उल अज़हा एक मजहबी त्यौहार है। मुस्लिम्स मुसलमान ऑलवेज हमेशा सेलिब्रेट मनाते हैं ईद उल अज़हा विद ग्रेट रिलीजियस मजहबी डिवोशन मीन्स अकीदत एंड एंथुसियाज्म, जोशो खरोश या जोशो जज्बा। मुस्लिम्स ऑलवेज सेलिब्रेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि मुसलमान हमेशा इंतहाई दीनी अकीदत या मजहबी अकीदत और जोश व जज्बे के साथ ईद उल अज़हा मनाते हैं। ऑन दिस डे मुस्लिम्स मुसलमान वेयर पहनते हैं न्यू नए क्लॉथ्स कपड़े एंड गो और जाते हैं टू ऑफर अदा करने या पढ़ने के लिए ईद की नमाज। मुसलमान उस दिन मुसलमान नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं या अदा करने जाते हैं। टू ऑफर मीन्स पढ़ने जाते हैं या अदा करने जाते हैं। आफ्टर ईद नमाज, ईद की नमाज के बाद पीपल मीन्स लोग ग्रेट मिलते हैं या मिलना ईच अदर एक दूसरे से। ईच अदर जो है यहाँ पे आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। इस क्या है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो किस तरह है कि जब आप एक दूसरे की बात होती है तो ईच अदर आता है। अब ये देखें ईद की नमाज, ये देखें पिक्चर्स में भी लोग नमाज पढ़ के एक दूसरे से मिल रहे हैं तो एक दूसरे के लिए आप लोग यूज़ करते हैं ईच अदर। आफ्टर ईद नमाज, ईद की नमाज के बाद पीपल लोग ग्रीट मिलना या मिलते हैं ईच अदर एक दूसरे से। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इट इज़ अ पार्ट, ये एक हिस्सा है ऑफ द सोशल मशरती एंड कल्चरल और सकाफती ट्रेडिशंस रवायात। यह मशरती सकाफती और रवायात का एक हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है? मशरती और सकाफती ट्रेडिशंस, सकाफती रवायात का। यह आप लोगों का पैराग्राफ है। पैराग्राफ देखें दोबारा रीड कर लेते हैं। इट इज़ अ, ये पूरा पैराग्राफ में आप लोगों को क्या बताया गया है कि ईद उल अज़हा जो है वो एक मजहबी त्यौहार है और मुसलमान लोग जो हैं वो एक मजहबी अकीदे के साथ इसको मनाते हैं। मुसलमान उस दिन नए कपड़े पहनते हैं और ईद की नमाज अदा करने जाते हैं या पढ़ने जाते हैं। ईद की नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे से मिलते हैं। ये हिस्सा कौन सा है? एक मशरती और सकाफती रवायात का हिस्सा है। इतना ही आप लोगों ने ये 5 वाला पैराग्राफ करना है। नेक्स्ट इसके वर्ड्स मीनिंग सीखें। एंथुसियाज्म जोश व जज्बा। वेयर मीन्स पहनना। टू ऑफर पढ़ने या अदा करने के लिए। ग्रीट मीन्स मिलना या मिलते। सोशल मशरती कल्चरल सकाफती ट्रेडिशंस मीन्स रवायात का। नेक्स्ट पेज नंबर 31 देखें। पेज नंबर 31 पे आप लोगों का पार्ट बी। लुक अप द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन डिक्शनरी। ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके आप लोगों ने मीनिंग्स फाइंड आउट करने हैं। किसमें? इन डिक्शनरी, डिक्शनरी में। यूज दीज इन सेंटेंसेस और फिर उनको क्या करना है? जुमलों में इस्तेमाल करना है। हमारे पास फर्स्ट वाला है रिजॉइस। रिजॉइस मीन्स खुशी मनाना। वी रिजॉइस ऑन फेस्टिवल्स, हम त्यौहारों पर खुशी मनाते हैं। रिलीजियस मीन्स मजहबी, मुस्लिम्स आर रिलीजियस पीपल। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस मीन्स कुर्बान करना या कुर्बानी देना। वी सेक्रीफाइस आर गॉड ऑन ईद, हम ईद पर बकरी की कुर्बानी या बकरे की कुर्बानी करते हैं। हम ईद पर बकरे की कुर्बानी करते हैं। सेलिब्रेट मनाना। वी सेलिब्रेट टू ईद आर ईयर, हम साल में 2 ईदें मनाते हैं। नीडी ज़रूरतमंद। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। आप लोगों ने पेज नंबर 31 पे
पैराग्राफ नंबर 5 ये आप लोगों ने लर्न करना है। नेक्स्ट आप लोगों का बी वाला पार्ट है, ये सेंटेंसेस आप लोगों ने लर्न करने हैं। डायरी क्या है आप लोगों की? ट्रांसलेशन प्लस सेंटेंसेस लर्न।